असलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे हम एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आपको सस्ती शायरी सुनाएंगे। आज की जो हमारी सस्ती शायरी है ना, वो बहुत अजीब होने वाली है। वैसे तो आपको पता, हमारी सारी ही सस्ती शायरी काफ़ी अजीब होते हैं नॉन वेस्ट पब्लिक, लेकिन आज वाली आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। अर्ज़ किया है, कोई बोलता है चूड़ी, कोई बोलता है कंगन, कोई बोलता है गहना। वाह 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 वाह, पाँच बार वाह वाह बोलेंगे, सब मिल के बोलेंगे। कोई बोलता है चूड़ी, कोई बोलता है कंगन, कोई बोलता है गहना। जब भी मेरे पास आती है कोई चीज़, मेरा दोस्त हाथ फैला के बोलता है ए देना। सस्ती शायरी विद द एनोनिमस बाबा जी। तो सबके सब एनोनिमस के पब्लिक लाइक बटन ठोक दो, और आप बताओ आपका दोस्त ऐसे करता है क्या? ए देना वाला मतलब जब भी कोई चीज़ आएगी हाथ फैला देगा, और जब आप खुद के पास आएगी तो एकदम गायब हो जाएगा, एकदम गायब। वैसे अभी अब ये क्या चल रहा था गेम में, मैं बोल रहा था वाजंट मी और साइलेंट बोल रहा था हैं, फिर बोल रहा था वाजंट मी और साइलेंट बोल रहा था हैं। तो मतलब लैंड होते हुए जॉर्ज पुल यानी लाहौर में हम कर रहे थे सस्ते नशे। एक स्क्वाड होता था गाइस, सामने गन मिली तो मैंने फौरन से आगे की तरफ कर दिया राइट। और आज हम एंडी के साथ खेल रहे हैं। आप मुझे बताना एंडी कैरेक्टर आपको कैसा लगा। मैं एंडी बहुत पसंद किया, मैं कार्लो मेरे पास था ही नहीं गाइस, और एंडी फिर मेरा दिल किया कि मैं एंडी को मैक्स करूँगा। तो एंडी हम यूज़ कर रहे हैं, एंडी को अपने 10 में से नंबर देने गए। तो कमेंट बॉक्स में 10 में से नंबर दे देना एंडी को टॉप आउट ऑफ 10। ये पहले भैया ऊपर है गन लेके बड़े जोश में, इनको हमने डाउन किया। EPS भाई हमारे थे ये, इनको डाउन करने के बाद मैं इनको ढूंढ रहा था लेकिन ये मुझे नज़र नहीं आए, गए कहाँ पता नहीं, कहाँ गुम हो गए थे। और यहाँ पर हमारी एक टीममेट नॉक हो चुकी हैं, और फिर भी बस हमें कैसे करके रिवाइव देना। यहाँ पर मैं गैस कर उठा लिया। वेस्ट मेरे पास नहीं है गाइस, हेल्थ मेरी थोड़ी सी कम है। ये भाई जब मुझे नहीं मिले तो मैंने कर दिया आगे की तरफ रश, जहाँ पर बाकी स्क्वाड मेंबर्स इनके उतरे थे। अब वहाँ पे सामने मुझे रश मैंने कर दिया, बाकी मैं टीममेट्स का माइक म्यूट किया। और यहाँ तक मुझे नहीं पता था कि मेरी आवाज़ मेरे टीममेट्स को जा ही नहीं रही, ये प्रैंक हो गया था इस मैच में। यहाँ पे हमने F8 जोकर भैया को नॉक किया, और फिर पीछे SS हमारे जो भाई थे खान ब्रो, इनको नॉक किया। और फिर यहाँ पे हमारे F8 उस्मान भैया को नॉक लाइक फिनिश किया, और यहाँ पे मुझे किल मिल गया। हमारे बॉट भैया आ गए, पाकिस्तान स्क्वाड था गाइस, इनको वाइप किया अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे बॉट भैया के पटपट कर रहे थे, इनको नॉक किया क्योंकि हमारे KD ज़्यादा होने का रास बॉट भैया हैं, और जो हमारी टीममेट है वो काफ़ी अलग है हमसे, ब्लीड आउट होने वाली हैं, तो उनको बचाना एकदम मुश्किल हो गया था क्योंकि उनके बिल्कुल पास में अरबी स्क्वाड था जो कि उनको फिनिश नहीं कर रहा था, बट वो नॉक पड़ी थी। तो अब हमारा जो दोनों का जाना था बचाना, उनको उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। साइलेंट थोड़ा करीब था, मैं दूर था, मैंने फ़ौरन से उनकी तरफ बढ़ना चाहा। वेस्ट नहीं है गाइस, एमओ भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ दोनों गन्स में है, तो यहाँ पे हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं बाबा जी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, देखेंगे। तो इन भाई को यहाँ मैं डॉग किया बोल रहा था मैं लॉल, और ये साइलेंट को मारा, इसने नॉक कर दिया, बट मैं इसको फिर से नॉक किया। अब गज मेरे पास एमओ नहीं है, इसलिए एक गन गिरा दो ताकि सारी एमओ एक गन में आ जाए। फिर मैं रश कर दी यहाँ पे आखिरी बंदा, गज देखो कितनी चलाकी कर रही है, वो देखो गन पीछे रख के। भाई भरोसा ना करो आज के पबजी प्लेयर्स जो सामने आते ना, आज हमारे साथ धोखे की ना गाइस, मैं बता रहा हूँ हद ही पार हो गई, बड़ा धोखा मिला। अब मैं आपको बता दूँ कि इस मैच में हमारे साथ क्या क्या प्रैंक हुआ। एक तो धोखे में धोखा मिला एक चीज़, दूसरा बाबा जी जो हमारे साथ हुआ वो हुआ कि अभी देखो मुझे लग रहा है मेरा माइक जो है ना, मुझे इनकी आवाज़ मुझे आ रही है और मेरी इनको जा रही है, लाइक दोनों माइक काम कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो आप देख सकते हो ऊपर जो नाम आ रहे हैं वहाँ पर मेरा माइक शो नहीं हो रहा, मैं बोल भी रहा हूँ तब भी। तो इनकी आवाज़ तो मुझे आ रही थी, मेरी इनको नहीं जा रही थी, मैं सिर्फ टाइप करके इनसे बात कर पा रहा था, और ये बहुत देर से मुझे जाके पता चला बाबा जी। तो हमारे साथ काफ़ी प्रैंक हो गया था इस मैच में। तो हमने यहाँ पे बाबा जी की लूट, क्योंकि लूट का नो मजाक, व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इस कार लूट का नो मजाक। बाबा जी उठाई अपनी छिपकली बग्गी और आ गए सीधा फिर गाड़ी उठा के, अपनी घधा गाड़ी उठा के पचिंकी यानी पिंडी, यहाँ पे बंदे ढूंढने लगे। अब यहाँ पे भी हमारे साथ थोड़ा सा प्रैंक होने वाला है कि जब हम बंदे डाउन, गाइस एक मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब रिक्वेस्ट ये करनी है गाइस कि जब हम फाइट ले रहे हो ना तो प्लीज़ उस टाइम मीटअप नहीं होगा, ओके? लाइक यार देखो फाइट के दौरान मीटअप बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, फाइट ले रहे हो तो आप फाइट ले लो। अगर आपको पता है मैं लॉबी में हूँ तो लास्ट में, एकदम लास्ट में मिलना यार, ये मैं आपको पहले बोला था गाइस, अच्छा नहीं लगता। अब देखो यहाँ पर फाइट ले रहे थे, वीडियो बना रहे हैं, और फिर अचानक से जब आप फाइट लेते लेते सामने आके जंप करते हो ना, वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है यार, वैसे नहीं किया करो प्लीज़, रिक्वेस्ट है। तो गाइस यहाँ पर साउंड आ रहा था, मैंने यहाँ पर ताहा भैया को नॉक किया, पाकिस्तानी भाई थे ये। अब इनके टीममेट जो है ना वो जंप करने लग जाएंगे, फिर हम ऐसे तो मार नहीं सकते ना गाइस, अच्छा नहीं लगता। और एनोनिमस की पब्लिक है फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हमने उनके साथ ऐसा प्रैंक नहीं किया।
अभी तक हमें नहीं पता था, तो मैं हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रुके हुए थे क्योंकि हमें नहीं पता था एक है, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, तो इनकी एक टीममेट नीचे आके करने लग जाएंगे जंप। अभी तक तो वो आए नहीं थे, तो वो सामने आए वहाँ पे, तो मैं फिनिश करने का ट्राई किया। अब तक तो पता नहीं था ना गाइस कि मीटअप वाले हैं, तो मैं एक मॉली फेंक दूंगा वहाँ पे कि फिनिश हो जाए। इतनी देर मुझे नज़र आता है कि भाई नीचे इनका बंदा जो है वो कर रहा है जंप, तो मैं तो इनसे बात कर नहीं सकता था गाइस। देखो मैं बोल भी रहा हूँ ना तो भी नहीं जाएगी आवाज़ क्योंकि मेरा म्यूट है, लाइक ग्लिच हो गया। सिर्फ मेरे टीममेट्स को भी नहीं जा रही मेरी आवाज़, सिर्फ अभी आपको ही आ रही है मेरी आवाज़, किसी को नहीं जा रही। मैं बोलने का ट्राई कर रहा था, इनकी सुनने की कोशिश की तो मुझे आवाज़ आ रही थी बट मेरी आवाज़ जा नहीं रही थी। तो मैंने अपना पैगाम भाई लोगों को साइलेंट के ज़रिए दिया, रिवाइव होने दिया भाई लोगों को, और फिर बोला कि भाई लास्ट में मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी हम लोग गेम प्ले के लिए ट्राई कर रहे हैं ना, तो अगर अब साथ में भी खेलेंगे ना एक ही गाड़ी में तो वो हो जाएगा लाइक कन्फ्यूजिंग हो जाएगा काफ़ी। और गाइस एक और बात आपको बताऊँ, आज के बाद ना लाइक अब के अपडेट्स के बाद ना अगर आप मीटअप करते हो ना तो बहुत जल्दी आईडी बैन होती है, तो प्लीज़ मीटअप बहुत कम करना। ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे सामने आओ तब भी नहीं, आपस में भी अगर आप मीटअप करते हो ना क्लासिक में तो वो बहुत कम कर दो क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आईडीज़ बैन हो रही हैं, बड़ी जल्दी पबजी वाले बैन कर रहे हैं। तो बिला वजह आईडी बैन नहीं करवाना अपनी। ड्रॉप पे आए थे बाबा जी, वहाँ मैंने AKM की जगह उठा ली अपनी पहली मोहब्बत AWM, और आप देखो मोहब्बत की इंतहा देखो कि हमारे पास स्कोप नहीं है ओम के लिए, बट इतनी मोहब्बत है हमें ओम से कि हमने ओम उठा ली बाबा जी। फिर अपनी गधा गाड़ी को बूस्ट मारा और सीधा यहाँ से निकले, और यहाँ पे आके हमारे टीममेट ने किए सस्ते नशे। अब ये गाइस गेस करो ये कर क्या रहा था, वीडियो पॉज कर दो और अपना अपना कमेंट करके बताओ ये क्या कर रहा था। मैं बताता हूँ क्या कर रहा था, अब आपको शायद वीडियो में आवाज़ भी आ जाए बट पहले बताना था आपने। ये बंदा अपनी स्क्रीन को साफ़ कर रहा था, पसीने आ जाते ना तो उस चक्कर में एग्जिट हो गया। अब ये सीन किस किस के साथ पहले हुआ या होता है वो आप कमेंट्स में बताना। हीलिंग हमारे पास थी नहीं, पूरा जॉर्ज पुल खाली करके आए थे फिर भी हीलिंग नहीं थी हमारे पास, एक ही फर्स्ट एड था भाई को दिया। यहाँ से गए साथ वाले कंपाउंड्स में, ये जो राइट में हमारे यहाँ से फिर डार्चे उठाएंगे हम, हीलिंग वीलिंग ढूंढेंगे, बैंडेजेस मिलेंगे, और फिर हम डार्चे लेके गाइस निकले बाकी बंदे ढूंढने के लिए। सामने वाले कंपाउंड के ना मुझे दरवाज़ा नज़र आ गया था कि खुला हुआ है, तो फिर लाइक एक बार खुला हुआ तो शक होता है कि बंदे हो सकते हैं, चेक कर लेते हैं क्योंकि बंदे हमें मिल नहीं रहे थे गाइस। तो ये चेक करने के चक्कर में हमने एक बार गाड़ी ठोकी अनोनिमस भैया के, आपके घटिया ड्राइविंग। अभी सिर्फ एक बार हुआ है, अभी आप देखते जाओ, और था ये हमने दूसरी बार ठोकी आपके अनोनिमस भैया की घटिया ड्राइविंग। फिर हम यहाँ जाके ओके यहाँ तो रोक दी थी, ठीक है यहाँ पे रोकना बनता था, ये ठोकी ठा करके यहाँ से साउंड आ गया था गाइस के बंदा, तो हमने रोक ली। और अब मुझे था कि ओम से मारूंगा, पहले हमने नेट करना चाहा गाइस क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते, हो सकता बहुत अच्छा खेलता दोनों को डाउन कर दे, तो हमने नेट की कर दी भाई के ऊपर बरसात। अब हमें नहीं पता था कि एक बंदा इस कंपाउंड में रुका और एक बंदा गाइस पीछे अनोनिमस हाउस है ना स्क्वाड हाउस वहाँ पे रुका हुआ है, उसका तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं है कि वो है या नहीं है। तो अब हम बिल्कुल नीचे रुके हुए थे, वो नीचे सीढ़ियों पे नेट फेंकी जा रहा था बार बार ताकि हम लोग रश ना करें और सीढ़ियों पे आए तो नॉक हो जाएं। जब उसके नेट खत्म हो तो मैं आके टीपी लेने लगा, और ये मेरा वही ग्लिच हो गया था, रिकॉयल कंट्रोल नहीं हो रहा था, अजीब गेम इसके ग्लिच ही ख़त्म नहीं होते। और फिर मैं एम करे खड़ा हूँ, जैसे हेड दिखाएगा भाई मैं नॉक कर दूंगा, लेकिन भैया हमारे बड़े समझदार कोई हेड नहीं दिखा रहे। देखो फुटप्रिंट से आइडिया हो जाता है गाइस, आप फुटप्रिंट देखो कहाँ पर आ रहे हैं उससे आइडिया हो जाता है कि एनिमी आपके सामने ही है, तो इस तरह मुझे लग रहा था, मुझे पता चल चुका था कि वो सामने है। अब साइलेंट जा रहा था सात वाले स्क्वाड्स में, वहाँ से इस बंदे को डैमेज देता मैं ऊपर रश करके नॉक कर देता, ये हमारा प्लान था। लेकिन जब वो वहाँ जा रहा था वहाँ उसको अलग बंदा नज़र आ गया, तो यहाँ पे फिर हमने इस भाई को डाउन किया। अब गाइस क्या हुआ था, जब साइलेंट जा रहा था स्क्वाड्स में वहाँ से विंडो से ना एंगल मिलता है इस वाले घर का, तो साइलेंट का भाई वहाँ जाके ना मारूंगा तो वो भागेगा, आप ऊपर रश कर देना, ये हमारा प्लान था। साइलेंट वहाँ जाने लगा ना वहाँ से खिड़की से अलग बंदा उसको मारने लगा, तो उसको नॉक किया उसने, और मैं यहाँ पे फिर ऑन मारी बॉडी शॉट ऊपर रश करके इस भाई को डाउन किया। अब मज़े से हीलिंग वीलिंग उठा ली, 3x मिल गया था ऑन पे, हमने सजा लिया 3x, और यहाँ पे बैंडेजेस वगैरह लगा के अपनी हेल्थ पूरी कर रहे थे कि ये अरबियों का स्क्वाड है गाइस, और यहाँ से ये भागा। मैंने टैप करके बुलाया कि आएंगे भाई, इनको तो ड्रॉप लूटने की इतनी जल्दी थी ना कि रुके ही नहीं। और फिर हमने क्या किया भाई, उठाएंगे अपनी मेहरान गड्डी, शरण भैया को बोला भाई आ जाओ, लेकिन लूट का भूखे नंगे टीममेट्स जो हमने इनका नाम रखा है लूट रहा है मज़े से भाई, इसको आना ही नहीं है, मज़े से लूट रहा है, लूटो सर लूटो लूटो। और गाइस ये देखो कार्लो का जो ड्रेस है ना वो गाड़ी से बाहर निकला हुआ है, अभी देखना लेफ्ट पे वो देखो उसका कोट बाहर निकला हुआ है, बड़ा कोट है ना तो साइड से नज़र आ रहा था, तो ये वाला पार्ट मैंने इसलिए कट नहीं किया, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगा ये सीन, वो देखो गाइस कोट बाहर निकला हुआ है लॉल। और फिर साइलेंट भैया को बिठाया और हमने रश किया, और वो गाड़ी ड्रॉप से ना जा चुकी थी गाइस, अभी शायद जाती हुई नज़र भी आई आपको, ओके पता नहीं पहले गई थी आपने नोटिस किया या नहीं, बट हाँ गाड़ी गुजरी थी यहाँ से,
वही वाली। तो वो हम एक बार चेक करने यहाँ पर आ गए, अपार्टमेंट यहीं रुकी हो सकती है भाई। तो हमारा तुक्का सही था, वो देखो राइट पे खड़ी है। तो यहाँ पे हमने डबल चेक किया, यहाँ रोक के देखेंगे गाड़ी वाकई खड़ी थी, वो सामने खड़ी है। तो हम सीधा कर देते हैं उसी साइड पे रश, क्योंकि वो बड़े गलत घर में रुके हुए थे, उनको बड़ी बिल्डिंग रुकना चाहिए था, बट वो सबसे छोटी बिल्डिंग में रुक गए। तो हमने यहाँ पे रश किया, तो भाई सामने से आ रहे थे। अब इनको तो आइडिया भी नहीं था मैं हूँ। तो यहाँ पे इन्हें अरबी भैया को डाउन किया। गैस देखना वो बंदा गालियाँ देगा अरबी में, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं चुप हो रहा हूँ, अब जरा सुनो। भाई हमारे अरबी भैया बड़े गुस्से में आ गए थे, शायद अपने टीममेट को दे रहे हैं या मुझे, मुझे नहीं पता। अगर आप में से किसी को भी अरबी आती है तो कमेंट्स करके बताना, और जो बताएगा ना गाइस उसके कमेंट को लाइक कर देना, ताकि सारे सुन लें कि क्या क्या रहा था अरबी में। बड़ी वाली बिल्डिंग में रुके, यहाँ से दो पाकिस्तानी भैया हमारे आ रहे थे गाड़ी लेके। तो यहाँ पे स्प्रे करके हमने एक को डाउन किया, दूसरे के पास मेरे पास एंगल नहीं था, पता नहीं कहाँ था, तो वो साइलेंट ने डाउन कर दिया। एक एक के हम दोनों को मिला, और इसके बाद गाइस हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हमें जाना था जोन में, जोन यहाँ से चला जाता है। फिर हमने थोड़ी सी मस्ती की थी मॉली वॉली की, एक दूसरे को नेट वगैरह कर रहे थे, काफ़ी देर यहाँ रुके। फिर जब जोन चला गया तो हम यहाँ से निकले, क्योंकि बंदे काफ़ी ज़्यादा लाइव से। क्राउन 4 है गाइज, ये यूरोप सर्वर है, क्राउन 4 है। और यहाँ पे साइलेंट को ना लेफ्ट पे एक गाड़ी नज़र आती है, तो मैं अपनी डार्सिया लेफ्ट पे ले जाके गाड़ी के पीछे लगा देता हूँ। वो एक बंदा था, ये भी एक बंदा हमारा मारने वाला। तो यहाँ पे कार फाइट हो जाती है, और यहाँ पे अलग स्क्वाड बैठा होता है गाइज, ये हमारे पाकिस्तानी भाई लोग हैं जो इन कंपाउंड्स में अलग से फाइट ले रहे थे, इनके बंदे नॉक थे, रिवाइव कर रहे थे वहाँ पे। तो मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, आराम से गाड़ी ला के पीछे रोकी, और यहाँ पे हमने कर दी इनके ऊपर थर्ड पार्टी बाबा जी, क्योंकि किल का नो मजाक। दोनों को फिनिश किया, आखिरी टीम में डाले। ये भाई मेरा पीछे से बचता हुआ आया, आगे जो बंदे थे उनसे, और मैं यहाँ पे मार दिया। मैंने तीनों किल मुझे मिले अल्हम्दुलिल्लाह, पर वो भाई कहाँ से मार रहे थे मुझे कोई नज़र नहीं आया। तो काफ़ी देर बाद मेरे टीममेट ने मार्क किया कि भाई उस दरख्त के पीछे है, और इतनी देर में गाइस पीछे से डीपी की पड़ जाती है, हेड लगे, देखो मेरा हेलमेट खा गया, ज़रा सी एचपी बची है, मेरा बड़ा गुस्सा आया। मैं क्या इसी हेल्थ में मारूंगा, बट कभी कभी आपका जज्बाती होना महंगा पड़ जाता है। तो मैंने कहा नहीं भाई, जब मैं देखा कि वो एंगल नहीं है, ये देखो गाइस उसकी डीपी नज़र आ रही है, एंगल नहीं था, बट ये एक बंदा नहीं है, दो टीममेट्स हैं, दोनों सांप हैं और दोनों के पास डीपी है। तो मैंने हील की, और वहीं पर मुझे इसका दूसरा टीममेट नज़र आया, टक करके कान के नीचे लगाया और बकरा बनाया, और फिर दोबारा से दूसरे टीम में एंगल नहीं था। इतने देर में गाइस पीछे से साउंड आता है कि एक बंदा क्लोज आ गया, और गाइस इसे कहते हैं प्री फायर, इसे कहते हैं प्री फायर। लाइक जब आपको बताऊँ ना कि वहाँ से बंदा आ रहा है, पहले से गोलियां मारने लग जाओ, और मैंने यही काम किया, क्योंकि अगर आप देखो अगर मैं उसका वेट करता ना, वो बंदा मुझे पक्का मार देता, उसने मेरा हेलमेट उड़ा दिया सारा। तो आप प्री फायर का इस्तेमाल किया करो जब आपको पता ना कि बंदा वहाँ से आने वाला है, आपको साउंड आ रहा है, गोलियाँ अपनी पहले से चलाओ, ताकि आप पहले डैमेज दो और आप उसको डाउन कर दो। तो मैंने प्री फायर दे के इस भाई को किया डाउन, और यहाँ से हेलमेट अपना उठा लेंगे, और हीलिंग वगैरह भी नहीं थी वो भी उठा लेंगे। अब जोन फिर से जा चुका है गाइस हमारे पास से, तो हमें यहाँ से निकलना था, लेकिन ऊपर डीपी वाला एक बंदा अभी भी बचा हुआ है, तो हम जो है ना उससे पंगे नहीं ले सकते। और मुझे किल मिल चुका था, तो मैंने साइलेंट भैया को बोला भाई प्लीज़ ज़रा गाड़ी पर कीजिए स्मोक, ताकि हम यहाँ से निकलें, क्योंकि गाड़ी पे अगर बिना स्मोक किए बैठे लेट के डीपी वाला आपके मुंह मुंह पे गोलियां मार के आपकी बैंड बजा देगा, और हम नहीं चाहते हमारी बैंड बज जाए। मेहरान गड्डी में बैठे और यहाँ से बूस्ट मार के निकले, और अभी पता नहीं था रुकना कहाँ है, तो मैं ऐसे गाड़ी लेके बस चल पड़ा, और फिर रास्तों ने खुद ही रास्ता दिखा दिया कि एनोनिमस सर आपको यहाँ रुकना चाहिए। पहले मैं सोचा हाइट पर रुकूँ, हाइट पर ही रुकना चाहिए गाइस सर्कल छोटा हो तो, लेकिन वहाँ पर कोई जगह नहीं थी, शैक नज़र आया मिडिल में, तो मैंने कहा भाई मिडिल में रुक जाते हैं, थोड़े किल भी मिल जाएंगे। अब यहाँ रुके, और यहाँ पे काफ़ी देर रुके रहे गाइस, हमें गोलियाँ पड़ रही थी बट हमें कोई नज़र नहीं आया, स्पॉट नहीं हुआ। काफ़ी देर बाद ना शैक के अंदर एक बंदा स्पॉट होता है। अब साइलेंट ने ओम से उसको बॉडी शॉट मारा था, तो मेरी एक ही बॉडी शॉट लगी, वो बंदा मर गया, और साइलेंट कहता रश करते हैं। तो मैंने मारने के बाद बोला ओके आ जाओ करते हैं रश, थोड़ी खुशी होती है ना, किल चोरी कर लिया टीममेट का ये। और इतनी देर में गाइस फिर एनोनिमस की पब्लिक की होगी एंट्री, आहा उसने नॉक किया गाइस, मैंने फिनिश, टीम वर्क देख रहे हो आहा। अच्छा आपका ना एक पार्टनर पबजी में ऐसा होगा जिसका आपके साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा,
अगर वो आप उसके साथ खेल रहे हो ना, तो आपको पूरा कोई टेंशन नहीं है कि सामने स्क्वाड आ जाए, है ना। ऐसा एक टीममेट होगा, उसका नाम कमेंट जरूर करना। तो मैं जब साइलेंट के साथ खेलता हूँ तो काफ़ी इजी फील होता है, क्योंकि ये बंदा ना मुझे समझता है और मैं इसको समझता हूँ, तो हमारे लिए ना डुओ स्क्वाड काफ़ी इजी हो जाता है गाइस। आपका भी एक ऐसा टीममेट होगा, उसका नाम कमेंट करना। अब यहाँ पे एनोनिमस की पब्लिक आई और मैं इनसे बात भी कर रहा हूँ, देखो माइक पे बात कर रहा हूँ मैं ऑल पे करके, बट अभी तक मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं हुआ था कि मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। मैंने ऑल पे किया और मैं बात कर रहा था, फिर मुझे थोड़ी देर बाद आइडिया होता है, ये देखो मैं बोल रहा हूँ, बट लेफ्ट साइड पे नाम के साथ माइक का ऑप्शन जो है वो नहीं आ रहा, तो मतलब मेरी आवाज़ इनको नहीं जा रही थी। फिर मैं साइलेंट भाई के जरिए इनको बताया कि टाइप करके बताया था मैं कि भाई को बोलो कि मेरा वॉइस ग्लिच है, और फिर इन्होंने बताया कि वॉइस ग्लिच है। ये भाई साइड से पंगे कर रहे थे, भाई मीटअप करने दो असद भैया, हमारी पब्लिक आई है, बातचीत करने दो, जो हम कर नहीं सकते, साइलेंट भाई को बोल रहा था, साइलेंट भाई आगे बोल रहे थे। अब गाइस तीन ये थे, दो हम पांच, और ये रेड कपड़ों वाला ना ये एनोनिमस की पब्लिक का हिस्सा नहीं है, ठीक है, पाकिस्तानी भाई थे। मुझे लग रहा था कि ये बंदा गड़बड़ है, क्योंकि ये बोल भी नहीं रहा था, और ये जंप ही किया जा रहा था कि बस मुझसे मीटअप कर लो, मुझसे मीटअप कर लो। जब उसने देखा सारे मीटअप कर रहे हैं, ये बंदा आ गया, तो मुझे इससे शुरू से डर लग रहा था। आपको शक होता है ना किसी बंदे में, मुझे भाई पे शक था, लेकिन भाई पाकिस्तानी थे तो हमने इनके साथ कर लिया मीटअप। और फिर एनोनिमस की पब्लिक ने हमारे साथ पैन फाइट की, दोबारा से रिवाइव हुए, ऐसे बस फन के लिए पैन फाइट कर रहे थे मुझसे, मैंने दो भाई को नॉक किया, दोबारा से जो है वो हो गए रिवाइव। अब हमने गाइस पांचों बंदों ने उस रेड वाले पे यकीन कर लिया, ठीक है, काफ़ी फनी सीन। और यहाँ पे ना हम बारात लेके जा रहे थे, ये लोग गाना गा रहे हैं, आगे बराती पीछे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा, गाने गा रहे हैं, ठीक है। हम दोनों गाड़ी में बैठे हैं, चारों बंदे वो अंदर बैठे हैं, और हम यहाँ पे पिंडी माहौल फुल मतलब वो होता है ना मस्त माहौल थे, मिट्टी चौल बस वो फुल माहौल, पिंडी माहौल बनाया हुआ, हवाई फायरिंग हो रही है और बारात जा रही है, और जब भाई जज्बाती हो गए, डीपी वाले अंदर से गोलियां मारने लगे, फिर हमने बोला भाई कंट्रोल कंट्रोल हमें लग जाएंगी, और फिर भाई ने अपने जज्बात पे काबू पा के अंदर बैठ गए। अब हमारा प्लान गाइस ये था कि गाड़ी ऐसे घुमाते, जब सर्कल आता ना तो चारों हील बैटल करेंगे, ये हमने किया था डिसाइड, क्योंकि पैन फाइट हम वैसे ही कर चुके थे। अब मैं चिकन देता हूँ तो वो लेते नहीं हैं, वो देते हैं तो मुझे लेना अच्छा नहीं लगता, तो भाई हमने डिसाइड किया था कि जब जोन आएगा ना सब हिल बैटल कर लेंगे। तो जोन स्टार्ट हुआ, हम इमोट करके मज़े कर रहे हैं, और जो हमारे रेड वाले भैया हैं ना वो करेंगे कीड़े। अब उन्होंने सबका दिल तोड़ दिया था, यार आप हिल बैटल कर लो, बट हमने आपको आप पे ट्रस्ट किया ना, लेकिन भाई ने हमारी बैंड बजा दी। अब यहाँ पे उल्टी हमारी हिल बैटल स्टार्ट, सारी हीलिंग एक भाई के पास थी, तो एक भाई जोन से नॉक हो गए। तो हमारे जो डीपी वाले भैया थे रेड वाले, उन्होंने सबकी बैंड बजा दी, सबका दिल तोड़ा, बट कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं बाबा जी। वीडियो कैसी लगी गाइस, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में बताना। बाकी गाइस प्लीज़ 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 इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंशाल्लाह मिलेंगे इस वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दिल से एनोनिमस की पब्लिक आपको रिस्पेक्ट है, लव यू, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।